भगवान की जय राधा माधव कुंजा बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरी वर धारी जय बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरी जय राध माधव कुञ्ज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी जराध माधव कुञ्ज बिहारी गोपि जनवल्लभ गिरि वरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज नरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दनरञ्जना यमुना 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 यमुनतिरवनचारी यमुनतिरवनच जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजन वल्लभगिरि वरधारी माधव्रिहारी गोपी जन वल्लभगिरि वरधारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जयो राधा राम राधा श्री राधे जय राधा राधारण श्री राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय शुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ देवा जय शुभा जय जय प्रभुप प्रभुप प्रभुपा जय प्रभुप जय जय प्रभु पभुप प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय श प्रभुप दुकिया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान्जनश्लाकया चक्षुरर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्यमनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति श्रापदांतिकम् नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तबृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे करोति वाचालं पंगुम लंघायते गिरी यत्कृपा तमहं श्रीगुरुदीनताधव श्री चैतन्य हरे कृष्णा तो आज हम श्री जगन्नाथ कथा का शुभारंभ करेंगे जगन्नाथ जी को समझना बहुत मुश्किल है मैं खुद जगन्नाथपुरी से हूँ और बहुत सारे लोग आते हैं जगन्नाथपुरी को हर साल अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं और अलग अलग कैटेगरी के, के लोग आते हैं और हर हर कोई किसी का जगन्नाथ के ऊपर अलग अलग आइडिया है कोई जगन्नाथ जी को काली समझता है कोई जगन्नाथ जी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करके पूजा करते हैं पूरी में पूरी में तो कोई जगन्नाथ जी को बलराम जी को तांत्रिक के पूजा उपासक समझ के पूजा करते हैं कोई जगन्नाथ जी को ट्राइबल लोगों का <laughs> ट्राइबल लोगों के जो गॉड रहते हैं ना भगवान रहते हैं ना क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी तो ट्राइबल लोगों की तरह दिखते हैं तो उसकी तरह उपासना करते हैं तो अलग अलग लोग जगन्नाथपुरी आते हैं और रथ यात्रा में आप कोई जगन्नाथ जी को ऐसे पूजा करता है कि जगन्नाथ जी अफ्रीकन है और बलराम जी वाइट अमेरिकन हैं और सुभद्रा uh, मंगोलियन है तो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राएं हैं टू क्रिएट यूनिटी एंड ब्रदरहुड इन द एंटायर वर्ल्ड देर इज़ ब्लैक देर इज़ वाइट देर इज़ येलो एंड दिस थ्री आर एक्चुअली यूनाइटिंग द एंटायर वर्ल्ड तो अलग अलग लोग अलग अलग धारणा के साथ जगन्नाथ जी को पास आते हैं और जगन्नाथ जी सबको कृपा दिखाते हैं सबको दया दिखाते हैं क्योंकि जगन्नाथ जी को समझना बहुत मुश्किल है जगन्नाथ जी को जो छोड़ दीजिए कृष्ण को समझना इतना मुश्किल है हम तो बद्ध जीव हैं पर बड़े बड़े आ, बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग भी कृष्ण को समझने में गलती कर दिए थे तो एक बार की बात है गर्ग संहिता में आता है कि दुर्वासा मुनि आए थे वृंदावन <coughs> तो दुर्वासा मुनि वृंदावन जब आए थे कृष्ण बहुत छोटे थे और कृष्ण महाबन यमुना के तट पे महाबन में महावन के पास दुर्गा दुर्वासा मुनि को पता चला कि कृष्ण ऐसा उधर हैं और दुर्वासा मुनि को सब लोग बताए थे पहले ही बताए थे कि परम पुरुषोत्तम कृष्ण वृंदावन में आविर्भूत हुए हैं तो दुर्वासा मुनि को भी इच्छा हुआ कि कृष्ण को दर्शन करने के लिए परम पुरुषोत्तम ब्रह्मन को परम ब्रह्म को दर्शन करने के लिए सो दुर्वासा मुनि भी ब्रज में पहुँचे यमुना के तट पे और जब यमुना के तट पे पहुँचे तो दुर्गा मुनि देखे कि छोटा सा कृष्ण क्योंकि महावन में जब थे तो गोपाल बहुत छोटे थे तीन साल के पकड़ लीजिए तीन तीन चार साल के होंगे और तीन चार साल का लड़का छोटा सा कृष्ण पूरा नंगे थे कुछ पहने हुए नहीं थे और उनके सब गोप बालक भी सब नंगे थे और दुर्गा मुनि आके जब बैठ गए ध्यान करने के लिए कि परम ब्रह्म का दर्शन कर रहा हूं तो ध्यान करना चाहिए <laughs> तो जब ध्यान कर रहे हैं दुर्गा मुनि तो उस समय परम ब्रह्म जो नंगे थे <laughs> दिगंबर गर्ग संहिता में आता है दिगंबर हो परम ब्रह्म तो दिगंबर दिगंबर मतलब दिग जिसका अंबर है दिग दिग से जो ढका हुआ है चार दिग्ग से जो ढका हुआ है मतलब कुछ पहनने मतलब दिस इज सिविलाइज्ड वे ऑफ सेइंग दैट यू आर नेकेड शास्त्र बहुत सिविलाइज्ड <civilized> है <laughs> आप नंगा नहीं बोल के दिगंबर तो ध्यान कर करने के लिए जैसे ही बैठे तो तुरंत गोपाल नंगे गोपाल अपने दोस्तों के साथ झगड़ा चालू कर दिए और इतना घमासान झगड़ा हुआ कि कृष्ण पूरा फाइटिंग करने लग गए कुश्ती करने लग गए और लोटपोट होने लग गए यमुना के जो रेत है उसके ऊपर पूरा रेत उनके ऊपर आ गया और दूसरे लोग गुस्सा होने लग गए बाकी गोप बालक कुछ गोप बालक कृष्ण के साइड में आ गए कुछ गोप बालक दूसरे जो गोपाल जिसके साथ कृष्ण फाइटिंग कर रहे थे उसके साइड में आ गए पूरा जोर से जैसे मलयुद्ध चल रहा है और इसको दुर्गा मुनि ध्यान करने के लिए परम ब्रह्म को आए हैं ब्रज में तो दुर्गा ध्यान क्या करेंगे सोचने लग गए गर्ग संहिता में आता है श्री मुनि रुवाच अपने आप को बोल रहे हैं श्री मुनि दुर्गा स ईश्वर भगवान ये क्या मेरा ईश्वर है ये मेरा भगवान है सहा ये क्या मेरा भगवान है मेरा ईश्वर है कथम अगर मेरा ईश्वर है मेरा भगवान है कथम बाले लुठन भूभी अपने दूसरे गोप वालों के साथ ऐसे रोट पोट क्यों कर रहा है कुश्ती क्यों कर रहा है तो ये मेरे भगवान नहीं है लग नहीं रहा है।, आयं तू नंद्र, पर ये है पर भगवान नहीं है ना श्री कृष्ण परात पर यह कृष्ण परात पर जो कृष्ण है परम ब्रह्म जिसके ऊपर मैं ध्यान करने आया हूं इतना दूर से वृंदावन वो ये नहीं है ये तो नंद का एक छोटा लड़का है देखो कैसे क्या कर रहा है झगड़ा कर रहा है और उसी समय कृष्ण हार जाते हैं अब को और भी टेंशन हो जाता है कि परम ब्रह्म कैसे हार सकता है और इतना चिढ़ाने लगते हैं गोप बालक लोग कृष्ण हार गया कृष्ण हार गया कृष्ण हार गया तुमने अगले दिन मेरे साथ नहीं खेलेगा तो कृष्ण शरम से दौड़ के दुर्वासा मुनि के पास आ जाते हैं कभी-कभी होता कभी है ना आपके दोस्त लोग चिढ़ाते हैं तो कभी बड़े लोगों के पास आप तो कल्चर तो तो के 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 तो तो शौक लगता है कि परम ब्रह्म उनके गोदी पे बैठा हुआ <laughs> और फिर दुर्वासा मुनि को कृष्ण ऐसे देखते हैं गोदी के ऊपर से और हंसते हैं फिर तुरंत गोदी के ऊपर से उठ जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं और जैसे ही मुंह खोल के कृष्ण हंसने लगते हैं दुर्वासा मुनि को देख के तो दुर्वासा मुनि अचंबित हो जाते हैं और जैसे ही मुंह खोलते हैं कृष्ण दुर्वासा मुनि उनके भीतर प्रवेश कर लेते हैं और दुर्वासा मुनि बाहर बैठे थे अभी अंदर घुस गए अंदर पूरा दुर्वासा मुनि देख रहे हैं कि पूरा जैसे एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर लिए हैं और कोई नहीं है उस ब्रह्मांड में वो अकेले हैं और विचरण कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर कर हैं कर 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 करके एक पर्वत के ऊपर आ गए और पर्वत के ऊपर आप आप सोचिए अपने आप को आप अगर ऐसे बैठे हुए हैं और तुरंत आँख खोलता है तो कहीं पे आ गए और कोई नहीं है आप खोज रहे हैं खोज रहे हैं खोज रहे हैं उस पर्वत के ऊपर दुर्वासा मुनि आके जब देखे आप करेंगे क्या तो ध्यान करने लग गए परम ब्रह्म को <laughs> तो कृष्ण सोच रहे होंगे तुमको ध्यान करना है ब्रज में अगर मन नहीं कर रहा है तो तुमको मैं अच्छा और ये सब पेट में हो रहा है कृष्ण के तो पर्वत के ऊपर एक कोटि एक करोड़ वर्ष तक ध्यान करने लग गए तो ध्यान करने के बाद जब आंख खुलता है उनका एक करोड़ वर्ष के बाद तो दुर्वासामनि देखते हैं कि प्रलय का समय आ गया और पानी बहने लग गया चारों ओर पानी पानी हो गया दुर्गासाम तैर रहे हैं और तैर तैर के तैर तैर के बहुत मुश्किल से दुर्गाषा मुनि को एक छेद दिखाई दिया और उस छेद के अंदर जब घुस के निकल जाते हैं दुर्भा मुनि तो देखते हैं कि पूरा एक ब्रह्मांड के बाहर आ गए और सैकड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लग गया तो दुर्गा पागल हो जाते हैं कि क्या मैं देख रहा हूँ फिर सैकड़ों ब्रह्मांड के देख के दुर्गा एक तट के ऊपर पहुंचते हैं तट के ऊपर देखते हैं कि बहुत सुंदर एक पद्म फूल है और पद्म फूल में ऐसे स्टेयर्स स्टेयर्स और के ऊपर राधा रानी और कृष्ण बैठे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं और हंस रहे हैं तो दुर्गा दौड़ के जाते हैं दर्शन करने के लिए और दुर्गा समु दंडवत करते हैं और फिर उठते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण हंस रहे हैं और जैसे ही कृष्ण हंस रहे हैं मुंह खोल के उनके ऊपर देख के तो तुरंत दुर्वासा मुनि बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं छोटा बालक एगेन <laughs> कहां पे महावन में फिर से छोटा बालक कृष्ण हंस रहे हैं और बोल रहे हैं मुनिभर क्या हो गया <laughs> अब इसमें सैकड़ों करोड़ों साल कैसे बीत गया दुर्वासा मुनि को पता नहीं चल रहा है तब दुर्गा समूह दंडवत मारते हैं बोलते कि हाँ ये छोटा बालक जरूर मेरे भगवान हैं तो इस तरह हम तो छोड़ दीजिए बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग भी भगवान को समझने में गलती कर लेते हैं और भगवान को सही से समझ नहीं पाते हैं ब्रह्मा जी भी वृंदावन जब आए थे तो देखे थे कि भगवान मधुमंगल के पीछे दौड़ रहे हैं और मधुमंगल के पीछे दौड़ रहे हैं और ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए कि परम ब्रह्मा आए हैं अघासुर का हत्या किए हैं वध किए हैं तो उनका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए थे तो ब्रह्मा जी जब देखे कि मधुमंगल के पीछे कृष्ण दौड़ रहे हैं और झगड़ा क्यों हो रहा है कि मधुमंगल के पीछे हाथ में छाछ है और कृष्ण वो छाछ पीना चाहते हैं और मधु मधु मंगल जी देना नहीं चाहते हैं मधुमंगल तो खाने में थोड़ा प्रिय रहते हैं तो तो किसी को भी कुछ भी कुछ देना नहीं चाहते हैं। तो, मंगल थोड़े शक्तिशाली हैं वो दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं हैं दौड़ रहे और कृष्ण भाग रहे हैं और और कृष्ण पकड़ लेते हैं और मधुमंगल जबरदस्ती वो छाछ को पी लेते हैं और कृष्ण मुंह को ऐसे मधुमंगल जी का मारते हैं तो छाछ निकल जाता है और कृष्ण उसी छाछ को ग्रहण कर लेते हैं ब्रह्मा जी पागल हो जाते हैं रे ये कैसे भगवान है जो झूठा खा रहा है तो इस तरह हम देखते हैं ब्रह्मा जी बड़े बड़े मुनि ऋषि सब भगवान को देख के भगवान की लीलाओं को देख के विमोहित हो जाते हैं क्योंकि भगवान को समझने के लिए केवल भगवान की कृपा एकमात्र उपाय है जब तक भगवान का कृपा हमारे ऊपर नहीं आएगा तब तक हम भगवान को कभी भी समझ नहीं पाएंगे तब तक हम जगन्नाथ जी को कोई ट्राइबल गॉड कोई ये गॉड कोई वो गॉड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी <laughs> ऐसे समझते रहे इसलिए ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से अथापिते देव पदाम्बुज प्रसाद ले गृहत ही अथा देव पदां पदाबुज हे भगवान आपकी पद अंबुज चरण का द्वय का दो चरण जो है आपके अंबुज चरण है आपके जो पद्म चरण है उस चरण का जब तक प्रसाद लेस मतलब थोड़ा सा उस चरण का प्रसाद जब तक गृहित ए जब तक एक व्यक्ति को नहीं मिलता है जाना तत्व भगवन महिमनो तब जाके वो आपको समझ पाएगा नहीं तो कोई भी भगवान को समझ नहीं सकता है नाचान्य को चिरम विचिनवन चीरकाल तक सैकड़ों काल तक कोई भगवान के बारे में चिंता करता रहेगा रिसर्च करता रहेगा सब श्लोक रट्टा मार देगा सब पुराण अध्ययन कर लेगा बहुत ध्यान कर लेगा मुनि सोचिए फिर भी वो भगवान को समझ नहीं पाएगा अगर भगवान का कृपा उसको मिला नहीं है भगवान की चरण की कृपा और भगवान के चरण में कौन है भगवान के चरण में कौन है भगवान के भक्त भगवान के भक्त हर भक्त भगवान के चरण में रहते हैं और जब तक हमको भगवान की भक्तों का कृपा नहीं मिलेगा जब तक हमारे ऊपर भगवान के भक्त प्रसन्न नहीं होंगे आचार्य गण भगवान के भक्त गुरुदेव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे तब तक हमारे भक्ति में प्रगति नहीं होगा तो भगवान को समझने का एक ही उपाय है आचार्य गण गुरु गुरुवर्गों का कृपा लाभ करना तो इसलिए जगन्नाथ जी को अगर भी हमको समझना है सही तरीके से तो हमको आचार्यों का शरण लेना पड़ेगा तो उस अन आचार्यों का शरण लेके इस जगन्नाथ कथा को हम प्रारंभ करेंगे तो बहुत सारे आचार्यों से एक हमारे आचार्य हुए वो है शंकराचार्य शंकराचार्य शिव जी के अवतार हुए और शिव जी वैष्णवा नाम यथा यथाशंभू भगवान के सबसे बड़े भक्त सबसे बड़े वैष्णव चराचर गुरु चर और अचर गुरु मतलब आ, जो चल रहा है और जो नहीं चल रहा है जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है क्योंकि शिव जी तो भूतों को भी गुरु, गुरु है <laughs> चर अचर जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है जो चल रहा है जो नहीं चल रहा है जो सही है जो नहीं सही है है कि नहीं जैसे बोलते हैं ना एड़ा का सहारा भोले बाबा हमारा तो so, जो एड़ा है जो तेड़ा है जो सही है जो सीधा है सबके गुरु हुए हमारे शिव जी और वही शिव जी शंकराचार्य होके आए और शंकराचार्य ने आठ पंक्तियाँ लिखी है जगन्नाथ जी के बारे में उसको जगन्नाथ अष्टकम कहा जाता है कदाचित कालिंदी तट विपिना इस तरह वो शुरू होता है तो ये जगन्नाथ अष्टकम में जगन्नाथ जी के बारे में वर्णन किया गया है तो ये हम जो कथा होगा सात आठ दिन का आठ दिन में जगन्नाथ अष्टकम का एक एक श्लोक हम देखेंगे और सम, समझने का कोशिश करेंगे और जगन्नाथ जी के अलग अलग लीलाओं के बारे में स्मरण करेंगे किस तरह शंकराचार्य जगन्नाथ जी के बारे में उनके तत्वों के बारे में लीला के बारे में कि कौन है वो क्यों ऐसे दिखते हैं उसके बारे में शंकराचार्य बहुत सुंदर से सुंदर तरीके से वर्णन किए गए हैं तो तो हम आचार्य ग्रंथ शिल प्रभुपाद और सारे वैष्णव आचार्य, शंकराचार्य को प्रार्थना करते हुए आज की जगन्नाथ कथा शुभारंभ करते हैं जय शिल प्रभुपाद की जगन्नाथ स्वामी की तो आप सब खोल सकते हैं ये श्लोक जो जगन्नाथ अष्टकम है तो पहला श्लोक ऐसे आता है और इसका धुन ऐसा है कदाचित कालिंदी तटबी पिना संगीता करब

जगन्नाथ स्वामी नयना पथ गामी भावा तो शंकराचार्य तो लिख रहे हैं पहला श्लोक में पहला पंक्ति में कि कदाचित कालिंदी तट विपिना कदाचित कदाचित मतलब कभी कभी कदाचित कभी कभी कालिंदी तट विपिन कालिंदी तट विपिन मतलब कालिंदी की तट मतलब जमुना के तट पे विपिन मतलब जो जंगल है जमुना के तट के जंगल में कभी कभी जगन्नाथ जी जाते हैं कभी कभी क्यों भगवान तो हर समय ब्रज में रहते हैं तो कदाचित तो कदाचित से ही पता चल जाता है कि जगन्नाथ जी जो हैं रहते हैं तो द्वारका में पर कभी कभी वो विजिट मारते हैं कालिंदी तट पे कदाचित मतलब वो ब्रज के कृष्ण नहीं है जगन्नाथ वृंदावन कृष्ण नहीं है जगन्नाथ जी का अगर आपका घर वृंदावन होता तो आप कदाचित क्यों लिखने की जरूरत है सब समय कालिंदी तट पे रहते रहते हैं ऐसा लिखा जाएगा ना पर कदाचित कालिंदी तट का मतलब है कि जगन्नाथ जी का जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो द्वारका स्वरूप है द्वारका कृष्ण है वो कदाचित कालिंदी तट कभी कभी वही द्वारका कृष्ण जगन्नाथ कालिंदी तट में पहुंच जाते हैं तट विपिन मतलब जंगल कालिंदी तट के ऊपर जो जंगल है उसके पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं अब कोई पूछेगा क्यों उधर बैठेंगे जाके द्वारका में क्या है वैसे है नहीं जो ब्रज में है जो भगवान द्वारका छोड़ के ब्रज के एक पेड़ के ऊपर यमुना के तट पे बैठ जाएंगे द्वारका में क्या नहीं है द्वारका में इतना ऐश्वर्य है इतना कंफर्ट है सोलह हजार एक सौ आठ रानिया भगवान की पूरा निपुणता से भगवान की सेवा करते हैं और कितने सारे ब्राह्मण लोग आते हैं सुधर्म सभा में भगवान के बारे में इतना गुण लीला गान करते हैं कीर्तन करते हैं वैदिक उच्चारण मंत्र उच्चारण करते हैं ओ सहन सहन भूनो सहकर तेजस्वीना वित्विहे ओ शांति 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 तो रुक्मिणी सत्यभामा वसुदेव देव की सब इतने सारे ब्राह्मणों को लेके आते थे सब भगवान का अलग अलग श्लोक उच्चारण करते थे वैद्य से और इतने सारा उनका गुणगान हो रहा है और खाना पीना तो मत ही पूछिए आप सुनेंगे तो आप रह नहीं पाएंगे उधर ही जाना पड़ेगा जिस तरह हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार में छप्पन भोग तो मिनिमम है उसके ऊपर बहुत कुछ होता है और आप सब तो पूरी से नहीं आ एक दिन कथा का एक दिन में हम केवल प्रसाद के ऊपर डिस्कशन करेंगे अलग अलग प्रसाद पूरी का तब पता चलेगा कि रानियां लोग जगन्नाथ जी को क्या खिलाते थे केवल एक दिन हम प्रसाद डिस्कशन करेंगे ये जो आठ दिन होगा एक दिन हम प्रसाद के ऊपर चर्चा करेंगे तो इतना प्रसाद सोलह हजार एक सौ आठ रानिया वैदिक मंत्र इतना सब छोड़ के भगवान भला क्यों जाएंगे ब्रज पे और एक पेड़ के ऊपर बैठ के क्या करने वाले हैं तो संगीता करवो मतलब म्यूजिक और का रब रब मतलब साउंड राब मतलब साउंड जैसे एक ह्यूमन जब साउंड निकालता है उसको क्या बोलते हैं विसल तो कृष्ण द्वारका छोड़ के <laughs> द्वारका छोड़ के संगीत के साथ म्यूजिकल स्विसल मार रहे हैं कहां पे कालिंदी तट एक पेड़ के ऊपर बैठ के तट बिपिन बिपिन मतलब पेड़ द्वारका छोड़ के तट बिपिन के ऊपर कृष्ण बैठे हुए हैं संगीत के साथ म्यूजिकल ऐसे नहीं कि विसिल मार दिया मेरे को तो विसिल मारना नहीं आता है और कभी मैं मारा भी नहीं हूं <laughs> पर हमने देखा है कि लोग विसिल मारते हैं <laughs> वो भी रहस्यमय है, है क्यों विसिल मारते हैं तो संगीत का रबा रबा मतलब रब मतलब अपने हो, अपने होठ से एक से साउंड निकालना इट इज नॉट आवाज इट साउंडक्चुअली मीन्स कुकू और क्यों विसल मार रहे हैं? मुदा आभीर नारी, आभीर नारी आभीर नारी को देख के मतलब नारी मतलब लड़कियां आभीर लड़कियां मतलब गोपिया ये आभीर नारी देखिए आप अच्छे से देखिए मुदा मुदा मतलब आनंदित होके आनंदित होकर जगना कृष्ण द्वारका छोड़ के विसिल मारने आए हैं और किसके ऊपर विसिल मारने आए हैं आभीर नारी रूप गोस्वामी बताते हैं कि तीन प्रकार की भगवान की पशुपाल हैं भगवान की जो ब्रज में कृष्ण परिवार में तीन प्रकार की पशुपाल हैं पहले तो हैं वैश्य वैश्य लोग सब गायों का गोपाल होते थे गाय पाल करते थे फिर होते हैं आभीर आभीर जो लिखा हुआ है देखिए इधर आभीर नारी आभीर मतलब वो गाय भी पालते थे और भैंस भी पालते थे और नीचे हो गए गुर्जर गुर्जर वो बकरी पालते थे तो वैश्य आभिर और गुर्जर ये तीन प्रकार के पशुपाल ब्रज में रहते थे जैसे नंद महाराज गाय सिर्फ पालते थे उस तरह के बहुत सारे लोग भी थे जो गाय के साथ भैंस भी रखते थे उस तरह उनको आभीर बोला जाता था बहुत सारे लोग बकरा भी रखते थे बकरा बकरी उनको गुर्जर बोला जाता ये रूप गोस्वा बताते हैं देखिए हमारे <laughs> आचार्य लोग कितने एनालिसिस करके गए हैं तो तीन प्रकार के पशुपाल हैं तो आभीर नारी मतलब जो पाल लोगों की जो कन्याएं हैं उनको सिटी मार रहे हैं और विपिन पेड़ के ऊपर बैठ के तो ये आभीर नारी करके आ रहे हैं इधर तो कृष्ण जब द्वारका चले जाते हैं तो सारे गोपी लोग बहुत दुख में रहते हैं कष्ट में रहते हैं पर अगर घर में वो दुख दिखाएंगे तो कौन उनको सुनेगा तो कभी कभी ये आभीर जाति के मतलब जो भैंसपाल जाति के छोटे छोटे लड़कियां लोग हैं वो क्या करते थे वो लोग सब क्या करती थी वो सुबह सुबह अपने माता पिता का परमिशन लेके अपने भैंसों को लेके आ जाते हैं जनरली भैंसों को पानी के अंदर डुबा के रखना पड़ता है आपने देखा है भैंस लोग ऐसे खड़े नहीं हो सकते हैं। उनको बहुत गर्मी लगता है वो पानी के अंदर रहते हैं तो गई भैंस पानी में तो वो भैंसों को लेके आ जाते थे यमुना के तट पे पेड़ के नीचे बैठ जाते थे ग्रुप करके और भैंसों को छोड़ देते थे वो पानी में घुस गए यमुना के झील के अंदर और कृष्ण उसी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और इतना रोते थे इतना रोते थे इतना रोते थे कृष्ण के विरह में और कृष्ण सुन रहे हैं देख रहे हैं सब कि कैसे रो रहे हैं सुखदेव गोस्वामी इसी के ऊपर वर्णन करके बिलवा मंगल ठाकुर भी इसी के ऊपर वर्णन करके सुंदर से श्लोक में लिखते हैं कि इस तरह विरह में आतुर हो के चिल्ला चिल्ला के उनका मुख पूरा सूख गया है ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसा कृष्ण के कृष्ण के विरह में उनका मन इतना आसक्त तो था कि जोर जोर से बिश्रजाम क्योंकि घर में तो कृष्ण कृष्ण चिल्ला नहीं सकते हैं तो बोले अरे क्या हो गए पगली क्या होगी सब चिल्लाने बोलने लग जाएंगे ना तो घर में वो अपना जितना सारा इमोशंस था दबा के रखते थे और जैसे ही भैंस के लेके आ जाते थे भैंस को पानी में छोड़ देते थे बट एक्चुअल रीजन था रोने के लिए आते थे जी भर के दिन भर रोते थे भैंस पानी पीलता है और जो भी करता है पानी के अंदर भैंस क्या करता है मेरे को पता नहीं आप जब ब्रज जाएंगे पता चल जाएगा पर ये लोग रोते थे और सुखदेव कोशन बोलते हैं विसृज लज्जाम अभी छोड़ दिया लज्जा स्म रुरुद्ध स्म सुरम रो रो के चिल्ला चिल्ला के रो रो के गोविंद दामोदर माधवे हे गोविंद हे दामोदर हे माधव और जैसे ये आभीर नारी ऐसे गोविंद दामोदर चिल्लाते थे द्वारका में कृष्ण को सुनाई देता था और तुरंत आके बैठ जाते थे और इनको पता नहीं कृष्ण ऊपर बैठे हुए हैं और जोर जोर से कृष्ण के बारे में चिल्ला के कीर्तन करके कृष्ण के बारे में सोच के कृष्ण के बारे में लीलाओं के बारे में सोच के हर वक्त रोते रहते रोते रहती रोते रहते और कृष्ण क्या करेंगे संगीत करवो और एक आवाज निकालेंगे और जो जो गोपी है नीचे बैठे हुए हैं उन्हीं गोपी के सुर पे विसिल करेंगे क्योंकि बंसी तो नहीं था अब द्वारका में कहा बंसी मिलेगा उनको वो तो अभी एक ही उन्हीं का जो थ्रोट का बंसी यूज कर रहे हैं और जैसे ही गोपी लोग सुनेंगे वो विशिल गोपी लोग गुस्सा हो जाएंगे और वो इतना गुस्सा हो जाएंगे कि उड़ जाएंगे सारे और अपने भैंसों को निकालने का कोशिश करेंगे कि चलो अभी घर चलते हैं कहां नहीं कहां से आवाज आ गया तो और भैंस लोग अपने गोपी लोग अपने भैंसों को निकालने का जब कोशिश करेंगे अब भेंस लोग को तो अभी साम नहीं हुआ है उनको तो पानी बहुत अच्छा लगता है वो निकलेंगे नहीं तो गोपी लोग इतना गाली मारने लग जाएंगे भैंसों को कि ये, ये भैंस लोग तुम्हारे ईश्वर की तरह है ये कृष्ण जैसा ये भैंस भी ऐसा कृष्ण काला भैंस भी काला बस एक ही अंतर है ये भैंस लोग केवल बाहर से काले हैं कृष्ण बाहर से भी और अंदर से भी काले हैं और इतना जिद्दी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कृष्ण को इतना सालों से कोशिश कर रहे हैं ये कृष्ण को अपने हृदय से निकालने के लिए पर देखिए भैंस निकल ही नहीं रहा है उसी तरह मेरे हमारे हृदय में बैठ गया निकल ऐसे चिल्लाएंगे भैंस को कृष्ण समझ के देख रहे भैंस पर लग रहा है कि कृष्ण है निकल ही नहीं रहा और उसका पूंछ खींच रहे हैं निकल देखो निकल नहीं रहा है इतना दुर्दांत ये भैंस कृष्ण है और फिर बोलेंगे हाँ तुम तो भैंस ही की तरह है भैंस का और एक खासियत है भैंस का दूध पीने से आप मोटा बुद्धि हो जाता है बोलते हैं कि बुद्धि कम हो जाता है क्यों क्यों इसका भी बहुत बड़ा रीजन है गोपी लोग बताते हैं इधर तो भैंस जो होता है अपन भैंस का बच्चा भैंस का बच्चा को अगर पंद्रह भैंस मैया के बीच में छोड़ दिया जाएगा वो एक मैया के पास जाएगा लात खाएगा और एक मैया के पास जाएगा लात खाएगा ऐसे बहुत समय लग जाएगा अपने माँ को चूज करने में तो गोपी लोग बोलते हैं कि जिस तरह ये भैंस है उसी तरह कृष्ण है जो अपना माँ को समझ नहीं पाया यशोदा और जाके कहा द्वारका में बैठा हुआ है ये भैंस है और ये कृष्ण बिल्कुल सेम है तो निकलो खींच खींच के निकाल ले निकल नहीं रहा है तो थक जाएंगे कितना खींचेंगे फिर और गुस्सा हो जाते हैं कि ये कृष्ण पौर्णमासी ने बोला था ये कृष्ण का कोई जाति नहीं है कोई जाति नहीं है किसी को भी पता नहीं कृष्ण कौन है तो है, है सच्चा ही सच्चाई है हमने पहले ही देखा था कि किसी को पता नहीं कृष्ण कौन है इतने सारे लोग क्या क्या बना दे रहे हैं कृष्ण को पौनमासी ने बोला था कि ये कृष्ण के पीछे नहीं पड़ने के लिए क्योंकि हमको पता है पिछले जन्म में ये रामचंद्र बन के क्षत्रिय बन के आया था पर देखिए क्षत्रिय मतलब युद्ध करके दूसरों को परा पराजित करके मारना चाहिए पर ये बाली को पीछे से मारा तो ये क्षत्रिय है अधम क्षेत्रीय है और कृष्ण सुनने ऊपर और हंस रहे हैं इसीलिए देखिए मुदा मुदा मतलब आनंद से तो अब ये कहा द्वारका में मिलेगा <laughs> तो कृष्ण इसी रस को आस्वादन करने के लिए द्वारका छोड़ के आए हैं वृंदावन की विपिन तट के एक पेड़ के ऊपर बैठ रहे हैं और गोपी लोगों का गाली सुनने के लिए कि एक क्षेत्रीय अधम है और क्षत्रिय नहीं है क्षत्रिय कभी ऐसे करता है और देखो सुपर्ण पीछे भाग के सुपर्णखा का नाक काट दिया मना कर देते नहीं भाई तुम्हारा नहीं होगा ये होगा वो होगा नाक काटने का वो आदेश दे दिया अपने भाई को कितना कैसे क्षत्रिय है ये और ये खाली क्षत्रिय में अधम नहीं है जब ब्राह्मण बन के भी आता है उसमें भी अधम है ये देखो बामन बामन देव बन के आया था बोले थे ब्राह्मण लोग संतुष्ट हो जाते हैं और मांगा तीन पद इतना बड़ा डायलॉग पौर्णमासी बोलते हैं हमको इतना बड़ा डायलॉग मारा कि ब्राह्मण हम सब संतुष्ट हैं तीन पद में संतुष्ट है तो तीन पद लेता और बलि को इतना कष्ट दिया वरुण पास से बांध दिया ये कैसा ब्राह्मण है ये ब्राह्मण में भी अधम है ये क्षेत्रीय में भी अधम है और वैश्य में तो अधम होगा ही स्वभाव कभी बदलेगा नहीं है हम देख रहे हैं कभी स्वभाव बदलेगा नहीं काहे हमने अपना जीवन इसके पीछे बर्बाद किया ये भैंस की तरह है भैंस की तरह रहेगा कभी निकलेगा नहीं पानी से और हमको ये पता नहीं चलता है कि लक्ष्मी जिनके पीछे पूरा ब्रह्मांड उनके पीछे पड़ा हुआ है ये लक्ष्मी ये कृष्ण के चरण के पीछे क्यों पड़ी हुई है उनको तो कितने कोई मिल जाएंगे ये सोच के क्यों लक्ष्मी छोड़ नहीं रही हैं ये सोच के गोपी लोग सोच रहे हैं कि अगर लक्ष्मी जी छोड़ देंगे मतलब द्वारका की पत्नियां छोड़ देंगे तो कृष्णा तो इधर ही आ जाएंगे ना क्यों छोड़ नहीं रहे हैं ये लक्ष्मी छोड़ देंगे तो कितना अच्छा होगा अब समझेंगे कृष्णा का ऐसा कैरेक्टर है तो कृष्ण को छोड़ देंगे तो कृष्ण और क्या करेंगे वृंदावन में वापस आना पड़ेगा ऐसे पागलों की तरह गोपी लोग और भगवान के ऊपर गुस्सा होते थे और फाइनली गोपी लोग बोले कि कृष्ण का इतना दुर्दांत अपराधी है पर पता नहीं इतने सारे सन्यासी लोग सब छोड़ छाड़ के इसके पीछे भागते कैसे हैं हम भी ऐसे ही कहते दिखे और भिक्षुक बन जाते हैं गोपी लोग बोलते हैं बहाव यह भिक्षु बिहंग की तरह भिक्षुक बन जाते हैं इतने बड़े बड़े राजा महाराजा सब लोग सब कुछ छोड़ के इसके पीछे ये कैरेक्टर हीन व्यक्ति के पीछे जो ना वैश्य है ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है इसका जाति का कुछ अता पता नहीं इसका लीला जैसे ही कान में प्रवेश करता है हमने क्या पाप किया था कि इसका लीला हमारे कान में प्रवेश कर लिया और ये हमारी भैंस की तरह हमारे हृदय रूपी यमुना में बैठ गई है और निकल ही नहीं रहा है तो गोपी लोग चिल्लाने लगते हैं गुस्सा होने लगते हैं और एक गोपी दूसरे गोपी को बोलते हैं मैं तुमको मना किए थी इसके पीछे नहीं भागना दूसरे गोपी मैं तुमको पहले मना की थी ऐसे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है गोपी लोग बोलते हैं चलो हम चल जाएंगे ये भैंस कृष्णा इधर ही रहने दीजिए और सारे भैंस को छोड़ के गोपी लोग निकलने लग जाते हैं और जैसे ही निकलने लगते फिर से आवाज करने लगते हैं भेंसों को तो जैसे ही कृष्ण के आवाज भैंसों को मिलता है तो भैंस लोग गोपियों के पीछे पीछे जाने लगते हैं तो गोपी लोग और गुस्सा हो जाते हैं जाओ द्वार का तुम्हारे मास्टर के पास जो तुमको अच्छे से खिलाएगा इधर हमारे पीछे क्यों आ रहे हो तो से गोपी लोग चले जाते हैं और भैंस लोग धीरे धीरे चले जाते हैं और कृष्ण फिर से वापस द्वारका आ जाते हैं तो आनंद ये आनंद उपभोग करने के लिए जो द्वारका में नहीं है गोपियों का गुस्सा कृष्ण बताते हैं एक पुराण में कि जितने सारे वैदिक मंत्र है जितने सारे श्लोक है उपनिषद में मेरे गुणगान में जितने सारे गाने हैं मेरे गुणगान में सबसे प्यारा मेरे को गोपियों का गाली लगता है ये श्लोक है तो उस गोपियों का गाली सुनने के लिए कृष्ण हर दिन जब भी गोपी लोग भैंस पालक लोग आते थे या फिर गोपी लोग ब्रज में आते थे आ जाता और रात जैसे ही होता था गोपियों का विरह मानो सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों गुना बढ़ जाता था कभी कभी तो भगवान द्वारका में रात में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते थे और द्वारका में एक पेड़ के ब्रज में एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते थे रात के अंधेरे में और आवाज निकालते थे और जब आवाज निकालते थे तो घर में गोपी लोग कभी कभी सुनते थे तो उनको लगता था कि कृष्ण आ गए तो दौड़ के चले जाते थे और जब दौड़ के देखते थे कि कोई नहीं है समझे रात के अंधेरे में और पूरा बारह बजे आप पूरा जंगल में चले जाएंगे लगेगा कृष्ण आए हैं और कोई नहीं है तो इतना जोर जोर से वो गोपी लोग चित्कारते थे हे गोविंद बचाओ हम आ गए आप नहीं हैं हमको लगा आप हैं तो बिलवा मंगल ठाकुर इसी लीला को बताते हुए श्लोक में लिखते हैं बृंदावनस्थम हरिमासुबुध्वा आगे करके ये समझ के वृंदावन में गोपी गता में निशाया मतलब रात में एक गोपी कुछ कुछ गोपी आ जाते हैं त्राप्य दृष्टि और भगवान को नहीं देखे हुए भय में कितना डरावना होगा बन के अंदर आप रातों के अंधेरे में आगे कृष्ण आगे करके और कृष्ण नहीं है कृष्ण तो है पर कृष्ण नहीं है ये सोच के कितना भयानक होगा वो दृश्य गोविंद दामो दर इस तरह गोविंद दामोदर चित्कार करते हैं और बहुत भय होके फिर से वापस आ जाते हैं वृंदावन में एक जगह है बरसाना के पास उस जगह का नाम है देहकुंड ललिता टीला के पास ललिता देवी सारे गोपियों को कभी कभी रात में इकट्ठा करते थे और रात में इकट्ठा करके सारे गोपियों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दे देते कोई करताल कोई मृदंग कोई हारमोनियम और सारे गोपी लोग भगवान की गुण कीर्तन करते थे और भगवान उसको सुनने के लिए द्वारका में रात के अंधेरे में आके उसी पेड़ के ऊपर बैठे रहते थे जिस पेड़ के नीचे सारे गोपी लोग रो रहे हैं कि कृष्ण कहां है कृष्ण कहां है और कृष्ण ऊपर बैठे हुए हैं क्या राधाम राधा रानी के आंखों में पानी देख के नीरजा अक्षी नीरजा मतलब पानी उनके आंखों में पानी देख के रुरोद गोविंद नाम गोविंद के वियोग में राधा रानी इतने रो रहे हैं इतना रो रहे हैं कि सारे गोपियों को सहन नहीं हो रहा है सखी प्रफुल्लोत फल और सारे गोपी लोग चित्कार करते हुए गा रहे हैं गोविंद दामो दर हे गोविंद हे दामोदर क्यों आप में हमको छोड़ के चले गए और कृष्ण गोपियों का ये कीर्तन सुनने के लिए कृष्ण द्वारका छोड़ के आ जाते हैं आनंदित होने के लिए गोपियों का ये कीर्तन सुनने के लिए गोपियों का ये प्रेम का स्वादन करने के लिए उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है पर राधा रानी का ये विरह भाव लेके आए हैं और देखिए चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ जी के पास रहते हैं चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथ पूरी गए और जगन्नाथ जी भी कृष्ण हैं जो राधा रानी और गोपियों के विरह का आस्वादन कर रहे हैं सो ही इज द फॉर्म ऑफ कृष्णा हु इज एक्सपीरियंसिंग द लव इन सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी एंड गोपीस और चैतन्य महाप्रभु उसी प्रेम को आस्वादन करने का प्रक्रिया उसी प्रेम का आस्वादन करने का तरीका लेके आए हैं गोलोक वृंदावन से गोलो के रन प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन जो हरिनाम संकीर्तन देह कुंड में सारे ललिता देवी विशाखा देवी और सारे सखी लोग प्रेम से उच्चारण करते थे जिसको सुनने के लिए द्वारका से भगवान वैदिक मंत्र को छोड़ के आ जाते थे उसी को हरि हरिनाम संकीर्तन लेके चैतन्य महाप्रभु हमको दान करने आए इसलिए जब वृंदावन मंदिर उद्घाटन हो रहा था वृंदावन में तो शिला प्रभुपाद जी सारे भक्तों को बताए थे कि हरि नाम संकीर्तन जोर जोर से होना चाहिए तब भगवान आएंगे और कुछ कुछ लोग जो ब्राह्मण लोग आए थे वो बोले थे देखिए ये स्वामी जी भगवान का इंस्टॉलेशन से हो रहा है भगवान का अभिषेक हो रहा है उसमें वैदिक मंत्र का उच्चारण होना चाहिए और हरि हरिनाम खाली कर रहे हैं वैदिक मंत्र होना चाहिए वैदिक मंत्र होना चाहिए तो श्रीलोत प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोले इनको कुछ पता नहीं भगवान वैदिक मंत्र द्वारका से छोड़ के ब्रज में आए हैं कृष्ण का हरिनाम संकीर्तन गोपियों का सुनने के लिए तो अगर उसी भाव से हम हरिनाम करेंगे तो भगवान हमारा हरिनाम को सुनने के लिए हमारे पास भी आ जाएंगे तो गोपियों का प्रेम जो है सर्वोत्तम है क्योंकि गोपी लोग केवल भगवान को आनंद देना चाहते थे और गोपियों का उस प्रेम को हमको समझाने के लिए उस प्रेम को प्रदान करने के लिए हरिनाम लेके श्री चैतन्य महाप्रु आए हैं और उसी प्रेम को आस्वादन करने का जो मूर्तिमान स्वरूप है कृष्ण का वो है जगन्नाथ स्वामी इसीलिए शंकराचार्य बता रहे हैं कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा मुदा मतलब आनंद आभीर नारी बदन कमल आस्वादन वो आभीर नारी का बदन से जो मुख से जो सुंदर कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन और उनके बारे में जो गाली निकल रहा है उसको आनंद लेने के लिए भगवान दौड़ के आ जाते हैं गोपियों का और कृष्ण का जो संबंध है ये दिव्य है और ये प्रेम भी दिव्य है और इसीलिए शंकराचार्य उस दिव्य प्रेम को समझाने के लिए थर्ड लाइन में देखिए क्या लिखते हैं शंकराचार्य रमा शु ब्रह्मा मरपतिर्गण सार पद रमा मतलब लक्ष्मी कौन है रमा शंभु ब्रह्मा मरपति अर्चिता सब मिलके इसी लीला को कि भगवान कैसे भाग के आए हैं द्वारका से ब्रज में गोपियों का गाली सुनने के लिए और विसल मार रहे हैं इस लीला को लक्ष्मी जी उपासना कर रहे हैं कौन पत्नी ऐसे उपासना करेगा रमा शंभू मतलब शिवजी जी जो परम वैरागी है घर भी नहीं बनाते हैं और कृष्ण कैसे लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं उसका उपासना कर रहे हैं अमरपति इंद्र ब्रह्मा जो ब्रह्मांड के प्रथम भगवान के प्रथम पुत्र हैं गणेश जो विघ्न विनाशक है रमा शंभु ब्रह्मा मर पति पदो अर्चन कर रहे हैं इस लीला को देख के ये दिव्य लीला को देख के मतलब गोपियों का कृष्ण के साथ संबंध और जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है कितना दिव्य है रमा लक्ष्मी जी शंभु शिवजी ब्रह्मा गणेश सब इंद्र सब मिलके जगन्नाथ जी को आराधना कर रहे हैं ये समझ के कि, कि वही कृष्ण हैं जो हम उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों जन्म 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 कितना तपस्या करते हैं शिव जी कितना ध्यान करते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे भागते रहते हैं ब्रह्मा जी कितना तपस्या करते हैं रमा कितना लक्ष्मी कितना तपस्या करती हैं और हम कृष्ण के पीछे भागने के लिए इतना तपस्या कर रहे हैं और गोपिलो मानो क्या तपस्या किए हैं क्या किए हैं कि कृष्ण सब कुछ छोड़ के गोपियों के प्रेम के पीछे भाग रहे हैं तो हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि गोपियों का जो प्रेम है उसका आराधना करेंगे उपासना करेंगे तो कभी ना कभी एक दिन हमको भी जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव हमको वो दृष्टि दीजिए क्या क्या दृष्टि दीजिए कि वो दृष्टि और भाव दीजिए ताकि हम भी आपको उस प्रेम से उपासना कर सकते हैं जिस प्रेम से गोपी लोग आपका उपासना करते हैं जिस प्रेम को आस्वादन करने के लिए आप द्वारका का सब कुछ छोड़ के वृंदावन में चले जाते हैं हम हमारे हृदय में भी हमारे आंखों में भी वो प्रेम जागृत कीजिए ब्रह्म समिता में ब्रह्मा जी वही बोलते हैं कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन न आंखों में जब तक प्रेम का अंजन नहीं रहेगा प्रेम अंजन जैसे ऑइंटमेंट अंजन जब तक आंखों में प्रेम का अंजन नहीं रहेगा तब तक भगवान का दर्शन हम नहीं कर सकते क्योंकि भगवान प्रेम से ही जीते जा सकते हैं होल वर्ल्ड लक्ष्मी ब्रह्मा लॉर्ड शिवा एवरी वन इंदिरा इज रनिंग टू फाइंड आउट कृष्णा एंड कृष्णा इज लिविंग एवरीथिंग एंड रनिंग टू एक्सपीरियंस द है ऑफ द चेस्टाइजमेंट ऑफ द गोपीज दैट इज गोपी सुप्रीम लव तो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है मूर्तिमान स्वरूप है वो गोपियों का श्रीमती राधा रानी का परम और चरम पराकाष्ठ जो प्रेम का पराकाष्ठ है उसका उसको गौरवान्वित करने के लिए है तो जब भी हम जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं हमको समझना चाहिए जब कृष्ण गोपियों के प्रेम से श्रीमती राधा रानी के प्रेम से ब्रजवासियों के प्रेम से प्रेम विह्वल हो जाते हैं वो जो स्वरूप है कृष्ण का होता है वो है द्वारका का कृष्ण का, का जब हो जाते हैं वो है जगन्नाथ स्वामी तो जगन्नाथ इज कृष्णा रिमेंबरिंग इन एक्सटेसी द लव ऑफ वृंदावन रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी गामी भव तुम्हें हे जगन्नाथ स्वामी हे भव हे भगवान हम आपको उपासना कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं ये भाव भी हमारे अंदर हमारे हृदय में जागृत कीजिए हम आपके पीछे कितना सैकड़ों सैकड़ों सालों से भागे हुए हैं पर हमारे हृदय में अभी तक आपके प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है वो अनन्य ब्रजवासियों का प्रेम जागृत नहीं हो रहा है तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा में और जितना दिन जगन्नाथ कथा होगा उतना दिन हमको ये प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना चाहिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गु ओ जगन्नाथ स्वामी मेरे नयनों को नयन का पथ दिखाइए मेरे मेरे को आप पथ दिखाइए किस तरह मैं वृंदावन में प्रवेश करके ब्रजवासियों का दास दास दासानु दास बन सकूं क्योंकि वही बनने से मैं आपको सबसे ज्यादा आनंद प्रदान कर सकू तो इस तरह जगन्नाथ स्वामी का जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है अति गुह है इसीलिए लोग समझते नहीं है और जगन्नाथ स्वामी भगवान कृष्ण हैं। द्वारका में जो वृंदावन की प्रेम में भाव विहोल हो गए हैं आज सूर्य ग्रहण है तो इस तरह बहुत साल करने के बाद एक दिन कृष्ण द्वारका में सोचने लग गए कि बहुत करीब एक सूर्य ग्रहण आने वाला है और कृष्ण एक बहुत रोमांचक लीला का परिकल्पना किए उनको याद आ गया कि 100 साल बीत गया है अभी मतलब कृष्ण ग्यारह साल के बाद वृंदावन छोड़ गए थे 100 साल इस तरह गोपी लोग कृष्ण के विरह में हर दिन रोते थे हर रात को आके कीर्तन करते थे और हम एक दो साल क्या हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं और सोचते हैं कि प्रभु जी अभी भी क्यों कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे और ये ब्रजवासी हैं और कृष्ण सोच रहे कि 100 साल बीत गया मतलब 111 साल हो गया ऑलरेडी कृष्ण का 100 साल हो गया और कृष्ण सो सोचने लग गए कि किस तरह राधारिणी को श्राप मिला था मेरे से 100 साल विरह में रहने का और उस श्राप का भी अंत होने का है और ये सोच के कि सूर्य ग्रहण भी आ रहा है भगवान कृष्ण एक सुंदर बहुत ही सुंदर रमणीय लीला का परिकल्पना करते हैं और राधा रानी को क्या श्राप मिला था जिस और कौन वो व्यक्ति था जो राधा रानी को श्राप दे दिया 100 साल कृष्ण के विरह में रहने का और सूर्य ग्रहण में कृष्ण ने क्या इतना रोमांचक लीला किया और इसका जगन्नाथ जी से क्या संबंध है वो समझने के लिए जानने के लिए आप जरूर कल की कथा में आइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम राम हरे हरे श्री कृष्ण भगवान की श्रीमती राधा रानी की जय जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय शिल प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे